लेटेस्ट टेक्निकल एंड मूवी रिव्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बंटी व्लॉग को और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बंटी और आप देख रहे हैं बंटी व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 की। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल 13 क्या है और इसका इंडियन यूट्यूबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों वीडियो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आर्टिकल 13 अभी इंडिया में लागू नहीं हुआ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो इंडियन अनुच्छेद है 13 वो किसी और मैटर का है दोस्तों, ना कि कॉपीराइट क्लेम का है। दोस्तों ये कॉपीराइट क्लेम एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप किसी का भी कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते और इसके अंतर्गत जो इमेज एंड वीडियो ऑडियो वाली कंपनियां हैं वो आपके ऊपर डायरेक्टली कुछ भी ब्लेम नहीं करेगी दोस्तों, वो ब्लेम करेगी डायरेक्ट यूट्यूब को। इसलिए यूट्यूब क्या करेगा दोस्तों, अगर इंडिया में लागू होगा तो तब की बात है दोस्तों, ना कि अब की, यूट्यूब वीडियोज अपलोड ही नहीं होने देगा जिसमें कॉपीराइट मटेरियल होगा। तो दोस्तों अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को डरा रहे हैं कि आप अनुच्छेद 13 का पालन कीजिए नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक ऐसा कोई यूट्यूब की तरफ से अपडेट नहीं आया है कि इंडिया में ये अनुच्छेद 13 लागू होगा। तो दोस्तों बी केयरफुल एंड हो सकता है लागू हो जाए तो आप अभी से कॉपीराइट मटेरियल यूज लेना बंद कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और मैं हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।